भारत के फिजिकल मैप में देखेंगे कि ये मध्य प्रदेश वाले इलाके में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी आते हैं, फिर नीचे सतमला पहाड़ियाँ हैं, ये अजंता की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में आ जाती हैं, सह्याद्री की पहाड़ियाँ यहाँ है, ये ठीक नीचे हरिश्चंद्र पर्वत है, ये बालाघाट पर्वत है, ये जो इलाका है इसे बोलते हैं पश्चिमी घाट, ठीक ना। ये मालाबार वाला जो इलाका है लक्षद्वीप सागर, तो केरल से सटा हुआ है मालाबार तट, ठीक ना। और गोवा से लेके जो मुंबई तक का जो इलाका है उसे बोलते हैं कोंकण तट, कोंकण तट ये अरब सागर में पड़ता है, जबकि मालाबार लक्षद्वीप सागर में, ठीक ना। इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे नीचे में आपका ये पहाड़ी है बाबू बुदान की पहाड़ियाँ कर्नाटक के पठार पे, तो यहाँ ढेर सारे कॉफ़ी के बागान हैं। इसके बाद एरामल्ला, नंदयाल, ठीक है, सेसाचलम, पालकुंडा, वेलिकुंडा, नल्लामल्ला की पहाड़ियाँ हो गई, सेसाचलम हो गया। अब ये बेंगलुरु का पठार है, ये जो इलाका है इसे बोलते हैं कोरोमंडल तट। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट। ये कृष्णा नदी का मुहाना है, ये गोदावरी नदी का मुहाना है, ठीक इसके ऊपर जो विशाखापत्तनम यहाँ पे है इसे बोलते हैं उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट। ये देखिए उड़ीसा का इलाका हो गया, महेंद्रगिरी पर्वत यहाँ पर है, दंडकारण्य या बस्तर के जो जंगल हैं उसे बोलते हैं दंडकारण्य, तो आपको यहाँ पड़ता है। फिर वापस सतमला की पहाड़ियाँ पे आ जाते हैं,